अब हम चलते हैं गीता ज्ञान की तरफ। अभी हम अध्याय 2 फिनिश कर चुके हैं और अध्याय 3 में आ चुके हैं। लास्ट वीक अध्याय 3 शुरू हो गया था हमारा। अध्याय 3 है कर्म योग। हमें कर्म किस तरह से करने हैं, कौन से कर्म हमें मुक्ति के मार्ग पे ले जाएंगे और कौन से कर्म हमें बंधन के मार्ग पे ले जाएंगे, ये सभी का ज्ञान कर्म योग में है। और ये अध्याय हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी कर्म करते हैं, प्रति पल कर्म करते ही रहते हैं। तो जब हमें कर्म करना ही है और करते ही हैं, तो उस सजगता के साथ करें कि हम उन कर्मों के द्वारा बंधन में न पड़े, हम कर्मों से मुक्त होते जाएं, कर्म करते हुए मुक्त होते जाएं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा श्लोक पत्री जी ने भी लिए हैं अध्याय 3 से, और हम भी इसके अधिकतर श्लोक की व्याख्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये भी हमारे लिए जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरे भगवत गीता में देखें तो अध्याय 2 और अध्याय 3 अगर हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो हमें कर्मों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति हो जाती है। अधिकांश ज्ञान ये 2 में है, और फिर है 6 अध्याय में, जहाँ है ध्यान योग, और हम सभी लोग ध्यानी हैं, तो वो भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अभी हम करेंगे अध्याय 3, जो लास्ट वीक किए थे उसे थोड़ा सा विवेक, उसको एक बार देखते हुए फिर हम आज के श्लोक करते हैं। लास्ट वीक जो हमने किए थे, अर्जुन के सवाल से अध्याय 3 शुरू होता है कि मैं कौन से मार्ग पे जाऊं। अध्याय 2 में जैसे ज्ञान योग दिया, और फिर थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में कर्म योग का भी ज्ञान दिया है। तो अर्जुन बहुत विषाद में पहले से ही थे, और उन्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि मैं ज्ञान योग को अपनाऊं या कर्म योग को अपनाऊं। पहले 2 जो श्लोक हैं अध्याय 3 के, उनमें अर्जुन का सवाल ही है दोनों में, और तीसरे श्लोक से भगवान बोलना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं कि दोनों ही इस लोक में, मनुष्य लोक में दोनों ही मार्ग जो हैं वो मेरे द्वारा बहुत पहले से ही कहे गए हैं, और दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं है कि एक कम है एक ज्यादा है, दोनों ही मार्ग पे चलने से तुम मुझे पालोगे। तो हम कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही मार्ग पे हम चल सकते हैं। और भगवान जैसे बोलते हैं, भगवान बोले तो मोक्ष, मुक्ति, वही भगवान है, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा था 3.5, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणी, कि कोई भी मनुष्य, कोई भी साधक एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, हर पल वो कर्म करता ही रहता है। जो प्रकृति में जो 3 गुण हैं, सतो रजो और तमो गुण, इन तीनों गुणों के द्वारा, इन गुणों के व्यवस्थावश हम कर्म करते हैं। तो हमें इन तीनों गुणों का दृष्टा बनना है, उनके विवश में नहीं रहना है। ये आत्मा तो निर्गुणी है। इसके बाद में हमने देखा था 3.6 कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मृति इंद्रियाथान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते, कि जो कर्मेंद्रियों को तो संयमित कर लेता है, लेकिन मन में भटकाव रहता है, इधर उधर कुछ न कुछ बातें याद आती रहती है, तो ऐसे को
इस तरह से जो इंद्रियों में भटकता है वो विमूढ़ है, वो अज्ञानी है, मिथ्याचारी उसे कहना उचित है। तो अगर ज्ञान मार्ग में हम रहते हैं तो ज्ञान मार्ग के अनुसार काम करना, और अगर हम कर्म कर रहे हैं, जिस समय जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म को पूरी तरह से हमें करना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जिस समय जो कर्म कर रहे हैं, इस समय हम गीता पढ़ रहे हैं, तो हमें पूरी तरीके से गीता में ही ध्यान देना चाहिए। और पर गीता पढ़ रहे हैं और उस समय हम कहीं कहीं भटक रहे हैं तो यह क्या है, ये मिथ्याचारी है, दिखावटी है, तो भगवत गीता को बंद करके रख देना ही उचित है। ये ऐसी स्थिति में ना हम भगवत गीता समझ पाएंगे पूरी तरीके से और ना ही हम कोई दूसरा कार्य कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें विमूढ़ कहा है, अज्ञानी कहा है। तो ऐसा हमें हमेशा कहा भी जाता है, ध्यान में भी हम कहते हैं कि हमेशा प्रेजेंट ऑफ माइंड रहना चाहिए, जहाँ है वहां पूरी तरीके से रहना चाहिए। यही भगवत गीता में भी है। फिर है कि 3.7 हमने देखा था, या तू इंद्रियाणि मनसा स्मरण नियम्य आरभते अर्जुन। जो अपनी इंद्रियों को आरंभ से ही अपने मन में स्थित कर देता है और कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है, असक्त स विशिष्यते, वह आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वही उचित है। जैसा कि पहले श्लोक में आया और इसमें, कि हमेशा अपने आप को एक जगह स्थित करके जो हम कर्म कर रहे हैं पूरी तरीके से प्रेजेंट ऑफ माइंड में रहते हुए और किसी भी तरह की आसक्त नहीं होना उस कर्म में, बंधना नहीं चाहिए उसमें भी। फिर हमने देखा था 3.8 कि नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो या कर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धयेत कर्मणः। ये श्लोक बहुत अच्छा है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए कि नियति ने जो हमारे लिए कर्म डिसाइड किए हैं वो कर्म हमें हमेशा करने चाहिए। हमें अकर्मणि नहीं बनना है, कर्म तो हम प्रतिपल करते ही हैं और करते ही रहना है। यहाँ अकर्मणि का मतलब हुआ संन्यास नहीं लेना है। जो संन्यासी होते हैं वो कर्म भी छोड़ देते हैं, अग्नि का भी त्याग कर देते हैं, किसी भी तरह वो सिर्फ ध्यान रूप में बैठते हैं, तो ऐसा मना करते हैं। और हमारे PSSM का भी ये नियम है कि संन्यास नहीं लेना है। संन्यास लेने से शरीर यात्रा पीछाते, शरीर की यात्रा कभी भी पूरी नहीं होती है। जो आत्मा की यात्रा है इस शरीर के रूप में वो कभी भी पूरी नहीं होती है, वो अपने अनुभव नहीं ले सकती है। इसके लिए अच्छा है कर्म करते रहना, अकर्मणि नहीं बनना। अब हम आ जाते हैं आज के श्लोक से इसे आगे। यज्ञार्थात यस, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े। यस मास्टर्स, जो कोई भी इसे पढ़ना चाहे। कोई नहीं है, ओके। यज्ञार्थात् कर्मणा अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात कर्मणः, वेदव्यासी ने इसमें कहा है कि हमेशा यज्ञ की तरह कर्म करते रहना चाहिए। अन्यत्र कर्म इस लोक में
जो मनुष्य लोक है, इस लोक में जो हम कर्म दूसरे और कर्म करते हैं यज्ञ कर्म के अलावा, वो सभी कर्म हमारे बंधन में डालने वाले होते हैं, कर्म बंधन में डालने वाले होते हैं। यज्ञ जैसे यज्ञ हम करते हैं उसमें हम तिल जो ऐसे आहुति देते हैं और वो आहुति देके हम भूल जाते हैं, वो समाप्त हो जाता है और वो अग्नि में जल के समाप्त भी हो जाता है, हम कभी उसे वापस कोई फल की इच्छा नहीं करते हैं। बस यज्ञ किया, तिल जो जो भी हम सामग्री समीधा जो हम डालते हैं यज्ञ में वो डालते हैं और फिर छोड़ देते हैं। उसी तरह है यज्ञ था, उसी तरह ही जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करना और भूल जाना, सेवा के लिए कर्म करना और सेवा के अलावा यज्ञ अर्थात सेवा हेतु कर्म करना, उसके अलावा सेवा के अलावा अगर जो भी हम कर्म करते हैं वो हमें कर्म बंधन में डालते हैं। ये अन्यत्र कर्म कैसे हो गए जो हम अपनी अहम भाव से करते हैं कि हाँ ये मैं कर रहा हूं या मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे ये अपने प्रॉफिट को देखते हुए काम करते हैं, किसी और बंधन को देखते हुए हम काम करते हैं कि हाँ मैं ऐसा करूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे ऐसा सोचते हुए, या मुझे इतना प्रॉफिट होगा ऐसा सोचते हुए हम कर्म करते हैं, तो वो सभी कर्म हमें बंधन में ले जाते हैं। तो अर्जुन से यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे कौन्ते, तदर्थम कर्म कौन्ते या मुक्त संग समाचरण, तो इसलिए तुम सभी कर्म मुक्त संग कि आसक्ति से मुक्त होकर समाचर सम स्थिति में रहते हुए कर्म करो। तो ये चीज हमारे लिए भी है कि हमेशा सम स्थिति में रहते हुए अपने हर कर्म को यज्ञ के हिसाब से, सेवा के हिसाब से हमें करना चाहिए। तो जैसे है कि हम कर्म तो हर पल करते ही रहते हैं, हम भोजन बनाते हैं तो यही होना चाहिए कि हम स्वयं एक भ्रम है और उस भ्रम के द्वारा भ्रम के लिए ही भोजन बनाया जा रहा है, या जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमारा भाव कुछ ऐसा ही रहना चाहिए कि ये कार्य मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, या ये किसी की सेवा के लिए हो रहा है। इंटेंशन सबसे बड़ा चीज है इसमें। जैसे एक चाकू है, वो एक चाकू डॉक्टर के हाथ में भी चाकू होता है जब वो ऑपरेशन करता है, और अगर एक डाकू है उसके हाथ में भी चाकू है तो क्या चाकू पूरा है? चाकू पूरा नहीं है, कोई भी नाइफ पूरा नहीं है। उसे कौन क्या इंटेंशन से यूज करता है, हम भी नाइफ यूज करते हैं अपनी रसोई में, तो हम क्या इंटेंशन से उसको उठाते हैं कि हमें अपनी सब्जियां सुधारनी होती, और डॉक्टर को किसी का पेशेंट का जो उसको तकलीफ है उसे ठीक करना होता है, तो हर चीज के पीछे उसका इंटेंशन सबसे बड़ा होता है। और डाकू अपने लिए किसी का भी कहीं से भी कैसे भी वो यूज कर लेता है, किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, कैसे भी। तो नाइफ बुरा नहीं है, उसके पीछे जो इंटेंशन होता है वही अच्छा और बुरा होता है। शेक्सपियर कहते हैं इसमें कि कभी भी कोई कर्म बुरा नहीं है, कर्म सभी एक जैसे ही हैं, लेकिन कर्म हम कौन से इंटेंशन से कर रहे हैं ये बड़ी बात है। इसीलिए हमें हमेशा काम अपने इंटेंशन पर ही करना होता है कि हमारे अंदर के भाव क्या हैं। हमें हमेशा काम अपने अंदर ही करना होता है कि हम क्या भाव से रसोई बना रहे हैं, हम क्या भाव से किसी की सेवा कर रहे हैं। भाव सबसे बड़ा है, कर्म से बड़ा होता है हमेशा अपना इंटेंशन। तो इस चीज को समझते हुए हमेशा अपने इंटेंशन पे काम करना है कि हम कहाँ अटैच हो रहे हैं और कहाँ हमें डिटैच होना है। ये श्लोक कोई भी पढ़े, मास्टर्स प्लीज कम और पढ़े। यहाँ किसी को कोई
जजमेंट नहीं है, पढ़ने से सबका भागीदारी होता है, अच्छा होता है, ये भी एक यज्ञ कर्म है। संस्कृत आता नहीं ना, तो ज्यादा बोलना नहीं आता वो। कोई बात नहीं, जितना आता है उतना पढ़िए, यहाँ आपको जजमेंट नहीं करेंगे हम। सहयज्ञः प्रजाः सृष्टा सृष्टा पूर्वाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो शिष्टका मर्दुक। लास्ट वाला वर्ड नहीं आ रहा। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो स्त्विष्टकामधुक्। जो अभी हमने पहला श्लोक देखा, इस श्लोक को समझने के बाद में वो और अच्छे से समझ में आएगा कि सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। प्रजापति कौन हुए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, इस सृष्टि की रचना में सभी मनुष्यों को, प्रजा सभी मनुष्यों को एक सहयज्ञ यानी कि एक यज्ञ कर्म के साथ में, सेवा कर्म के साथ में उनकी उत्पत्ति की है। ब्रह्मा जी ने पुरातन पुरावाचम यानी कि पुरातन काल से, सृष्टि की शुरुआत से ही हर मनुष्य को एक यज्ञ कर्म के साथ में उसकी सृष्टि की है। तो हम सबका अपना एक कर्म है स्पेशल, जिसे हम धर्म कहते हैं, अपना स्वयं का धर्म, पर्पस ऑफ लाइफ, वही हमारा धर्म होता है। तो जब सृष्टि की रचना हुई तो हर मनुष्य का अपना अपना एक अलग अलग ही ये धर्म है। वो धर्म हम खुद डिसाइड करके जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म के बाद में हम वो भूल जाते हैं कि हमारा धर्म क्या है। इस माया में आने के बाद में भूल जाते हैं। तो ध्यान में हमेशा अपने, इस ध्यान के द्वारा हम इसको जान भी सकते हैं। ध्यान में हमेशा अपने से एक सवाल करना चाहिए, ये जितनी बार बैठते हैं दिन में, 2 बार या 3 बार जितनी बार बैठते हैं, उतनी बार अपने स्वयं से ये सवाल करना चाहिए कि मेरा धर्म क्या है, मेरा इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आपको ये बताया भी जाएगा कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। इस सृष्टि में जितने करोड़ लोग हैं ना, सबका अपना अपना एक उद्देश्य है और सबका अलग अलग है, किसी का भी एक जैसा नहीं है, और सबका है सेवा से ही रिलेटेड, सबको सेवा ही करनी है। इसलिए हमेशा सेवा करते रहे। हो सकता है सेवा करते करते आपको कहीं से क्लिक हो जाएगा कि हाँ, यही मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। और अपनी पर्पस ऑफ लाइफ को जानने के बाद में उसको जीना, फुल पूरी तरीके से जीना बहुत ही आनंददायक रहता है। तो ये सभी हमको दिया गया है सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा जी ने, और अनेन प्रसविश्वत्वम, और इसके द्वारा हम फलते फूलते हैं। जिस तरह से हम अपने धर्म को जब निभाते हैं, उस धर्म को निभाते हुए हम फलते फूलते जाते हैं, और वो स्त्विष्ट कामधुक, और ये एक कामधुक, इसकी एक उपाधि थी, मतलब कामधुक के नाम से हमें ये समझाया जा रहा है। कामधुक है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ के यहाँ थी, और उसके द्वारा बहुत सारी इच्छाएं पूरी होती थी। कामधेनु गाय के द्वारा उनके ऋषि के,
तो वहां जितने भी लोग होते थे उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती थी। तो यहाँ पे कामधेनु को के नाम से यह समझाया गया है कि जब हम अपना यज्ञ कर्म करते हैं, धर्म की पालना करते हैं, सेवा कर्म करते हैं, तो वो हमारे लिए कामधेनु गाय की तरह है। वो उसी तरह हमें भी फल देती है, हमारी हर इच्छा को पूरा किया जाता है। तो हमें हमेशा सेवा कर्म करते रहना चाहिए, जैसा कि इसमें इससे पहले श्लोक में था कि हमें हमेशा यज्ञार्थ कर्म करना है। कि इस तरह से जो हम यज्ञ कर्म अपने साथ लेके आए हैं, वो यज्ञ कर्म हमें हमेशा करने चाहिए, और दूसरे कर्म हमेशा हमें बंधन कारक होते हैं। अगर किसी को भी कुछ न समझ में आए तो क्वेश्चन कर सकते हैं हैंड रेज करके। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। यस, कोई भी पढ़ना चाहे पढ़े। यस यस सीमा जी, म्यूट हो गए आप। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेया परमवाप्य वाप्स्यथ हाँ, परमवाप्य वापस्य थ। वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू। तो देवान् भावयतानेन कि जो देवता लोक है, वो जिस भाव से हम उन्हें पूजते हैं, और ते देवा भावयन्तु, वे उसी तरह ही हमारी उन्नति करते हैं। जिस तरह हम उनकी पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसी तरह से, उसी भाव से वे भी हमें हमारी उन्नति करते हैं। देवा, देवा कौन हुआ? जो देने वाला होता है, जो हमेशा देता रहता है, देवा वो कोई भी हो सकता है। हमारा हायर सेल्फ, इसे अगर मैं मैंने भगवत गीता पढ़ती हूँ और जैसे समझती हूँ, तो मैं हमेशा उसे अपने ऊपर ही लेके समझती हूँ, और वो समझना मेरे लिए बहुत आसान होता है। तो इसे अगर हम इस तरह से समझें कि देवा जो हमेशा देता है, जो हमारा हायर सेल्फ है, तो वो हमेशा हमें देता ही रहता है, ज्ञान भी देता रहता है, हमें मार्गदर्शन भी देता रहता है ना। और अगर हम उसके मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करते हैं, तो वो हमेशा हमारा साथ देता है। कभी भी अगर हम उसकी नहीं भी सुनते ना, फिर भी वो हमारा साथ देता है। लेकिन ये और बात है कि हम सुन नहीं सकते हैं, बहुत से लोग नहीं सुन सकते हैं, काफी लोग सुनते भी हैं, छोड़ देते हैं, अपने मन के भाव में रहते हैं, आसक्त में रहते हैं, तो उनकी बातें छूट जाती है। तो देवाज वही है जो हमेशा देता रहता है। तो हम जो भी यज्ञ कर्म करते हैं, उनके निर्देश के द्वारा जो भी हमें दिया गया है, जो हम यज्ञ कर्म करते हैं, तो वो भी हमारी हमेशा उन्नति करते हैं। ये चीज यहाँ पे ग्रुप में जितने भी लोग सेवा कर रहे हैं ना, वो इस चीज को हमेशा समझ पाएंगे कि वो जब भी सेवा करते हैं और उन्हें कभी ऐसे लगता है कि अरे ये काम मैं कैसे करूंगा या कैसे करूंगी, तो कहीं पे भी ऐसे अड़चन आती है, तो उन्हें कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन भी मिलता है। ऐसा बहुत बार होता है, मैं पता ही नहीं चलता है कहाँ से हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, या कोई हमारी हेल्प के लिए आ जाता है, ऐसा होता है। तो जब भी सेवा कर्म करोगे, वो भी निस्वार्थ भाव से जब भी सेवा करोगे, तो वहां हमारी हमेशा हेल्प होती है, देवतागण हमारी उन्नति करते ही हैं। तो परस्परम भावयन्तस्, तो परस्पर एक दूसरे की उन्नति के लिए, जब हम और
परमात्मा भी क्या है, हमारे माध्यम से सेवा ही कर कार्य करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए कुछ कार्य करवाते हैं। तो जब हम उनके लिए उनका द्वारा माध्यम बन जाते हैं और कार्य करते हैं, तो इसे कहा गया है कि परस्पर भावयंतस, तो परस्पर एक दूसरे के लिए हम कार्य करते हुए उन्नति को कार्य करते हैं, और यही श्रेष्ठ कर है। और परम वाप्स्यथ, और ऐसा श्रेय कर काम करने से हमें परम स्थिति को प्राप्त करते हैं। इसके लिए कहते हैं कि हमेशा अपनी इंद्रियों को, मन को शांत करना चाहिए, और ध्यान एक बहुत अच्छा माध्यम है इसके लिए। ध्यान के द्वारा हम शांत करना और अपने इंट्यूशंस को सुनना, उसे फॉलो करना, अपनी हर दुविधा को खत्म कर लेना। और जब हम अपने इंट्यूशन को सुन के उसे फॉलो करते हैं, तो ये हमारे स्वयं की उन्नति के लिए, अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये हमें बहुत साथ देता है। तो ऐसा करना चाहिए। जो हम ध्यान में सीख रहे हैं, ये अभी यहाँ पे भी बताया जा रहा है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, 3.12। ये सभी श्लोक एक दूसरे से ऐसे थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड ही है, और हर श्लोक से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा है। पत्नी जी ने भी सबसे ज्यादा श्लोक इसी अध्याय में लिए हैं। हाँ यस, जो कोई भी पढ़ना चाहे पढ़े। इष्टं भोगान् वि ओ देवा दास्यन्ते यत्न भाविताः तेदर्तान् प्रदये जो यो भोक्ते तेनेव सह। हाँ धन्यवाद। इष्टान् भोगान् हि वो देवा, तो जो हमारे इच्छा से जो हम सेवा कर्म करते हैं, उसमें सेवा कर्म से खुश होके हमें और आगे यज्ञ कर्म के लिए जो हमें भोग, यानी कि प्रसाद कह सकते हैं इसे, जीवन की जो हमें आवश्यकताएं होती है, वो हमें देवता लोग अपनी इच्छा से देते हैं, ताकि हम और आगे अपने यज्ञ कर्म को कर सके। अभी हमने जो यज्ञ कर्म किया है, यज्ञ भाविताः, कि हमारे जो यज्ञ कर्म से प्रसन्न होकर देवता लोग हमें अपनी इच्छा से भोग देते हैं, यानी कि जो हमारी इच्छा आवश्यकता है दैनिक जीवन की या आध्यात्म जीवन की, जो हमारी आवश्यकता होती है वो हमारी स्वतः ही पूरी होती है। हमें कभी भी कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, बस हमें सिर्फ सेवा कर्म करने की ही आवश्यकता होती है, निस्वार्थ भाव से। उसमें भी कोई स्वार्थ भाव नहीं होना चाहिए। जब ऐसे यज्ञ कर्म हमारे द्वारा होता है, तो देवता गण स्वतः ही हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तेर दत्तान प्रदायेभ्यो, तो उनके द्वारा जो तेर दत्तान, जो उनके द्वारा हमें दिया जाता है, वो भुंक्ते स्तेन एव सह, वो अकेले ही हजम नहीं करना चाहिए, अकेले ही नहीं भोगना चाहिए। ऐसा करने वाले को स्तेन यानी कि चोर कहना सही है। वह सह यानी कि वह चोर है। तो ये यहाँ पे हम सभी के लिए आता है। इसे हम बहुत अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं इस बात को। जैसे किसी कोई आदमी बिजनेस कर रहा है और उसे इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और उसे लगता है कि नहीं, ये तो भगवान मुझे ही दे रहा है, और वो सिर्फ उसे अपना बैंक बैलेंस बना रहा है, तो वो चोर है। हमें ध्यान सिखाया जा रहा है, हमने ध्यान सीखा और हम सिर्फ अकेले ही ध्यान कर रहे हैं, उसे दूसरे लोगों को नहीं सिखा रहे हैं, नहीं बांट रहे हैं, तो हम भी चोर हैं। हमें किसी बात का ज्ञान है, किसी बात का नॉलेज है,
और हम कहीं पे देख रहे हैं कि यहाँ जरूरत है, कोई आपसे मांग रहा है या जानना चाह रहा है और हम उसे मना कर दें कि नहीं हम नहीं बताएंगे या नहीं करेंगे, तो यह भी चोर है। किसी भी जगह पे इसे हम बहुत जगह पे अपने आप को स्वयं को इस बात पे निरीक्षण करना चाहिए कि हम कहाँ चोर हैं। हम भोजन बना रहे हैं, अगर कोई अचानक से दो आदमी एक्स्ट्रा आ गए तो जितना है उसे बराबर रूप से बांटना चाहिए, वरना हम चोर हैं, हम मना नहीं करना चाहिए और ऐसा हम करते भी नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि जो हम यज्ञ कर्म करते हैं और उसमें हमें जो भी हमारी आवश्यकता है और यज्ञ मतलब उसमें सहायता करने के लिए देवता लोग हमारी मदद करते हैं, लेकिन हम उसे नहीं बांटते हैं और अकेले ही हजम करते हैं तो हम चोर हैं। तो इस बात को भी बहुत अच्छे से समझना चाहिए। इससे पहले कहा गया है कि अगर हम बैठ के ध्यान करते हैं और इधर उधर भटकते हैं तो हमें कहा गया है दिखावटी है। भगवान भी कैसे शब्दों को यूज कर रहे हैं ना कि तुम मिथ्याचारी हो, अगर तुम इधर उधर बैठ के इधर उधर मन से भटक रहे हो तो तुम मिथ्याचारी हो। और यहाँ आया है कि जो तुम्हें भोग मिलता है उसे अगर तुम नहीं बांटते हो तो तुम चोर हो। यस हिमा जी, यज्ञ आशिष्टा सीनः संतो मुच्यन्ते सर्व सर्व किल सर्व किल विषयहि चैहि भुज्यते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। थैंक यू। थैंक यू मैम। यज्ञ शिष्टा सिनस संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयहि। कि यज्ञ शिष्टा जो यज्ञ जैसा इससे पहले श्लोक में कहा गया है कि हमें जो भोग मिलता है वो हमें सबको बांटना चाहिए, और यहाँ आ रहा है कि यज्ञ जो भोग मिला है वो यज्ञ शिष्टा सिनस की जो भोग हम सबको बांटना, संतो मुच्यते सर्व किल विषय ही कि सबको बांटने के लिए जो भी संत है उन सभी को बांटने के बाद में मुच्यन्ते जो बचता है वही हमें ग्रहण करना चाहिए। पहले हमें बांटना सीखना चाहिए फिर हमें ग्रहण करना चाहिए। तो भुंजते ते त्वगम पापा, भुंजते यानी कि जो भोगते हैं ते त्वगम केवल स्वयं ही अपने लिए पकाते हैं। पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, वे पाप के भागीदारी खाते हैं, है ना। तो कभी भी जो हमें प्रसाद मिलता है भोग का वो कभी भी अकेले हजम नहीं करना चाहिए, सभी को बांट के खाना चाहिए। और जो स्वयं के लिए ही पकाते हैं और खाते हैं, कभी भी सेवा कर्म नहीं करते हैं, यहाँ स्वयं के लिए पकाने का मतलब वही हुआ कि जो सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं और दूसरों के लिए सोचते हैं कि मुझे क्या करना उनका अपना है, ऐसा जो सोचते हैं केवल अपने लिए ही पकाते हैं, वे पाप के भागीदारी होते हैं हमेशा।
तो इसीलिए पत्री जी कहते थे, अगर आपने एक दिन ध्यान किया है तो आप दूसरे दिन उसी समय वो कह देते हैं नाउ यू आर मास्टर, और आप ध्यान सिखाओ इमीडिएटली तुम बांटना शुरू करो। हर किसी को यही कहते हैं कि आप बांटो, बगैर बांटे हमें नहीं खाना है। तो ध्यान सिखाना भी हमारे लिए इतना ही जरूरी होता है। जब ध्यान करने लग गए तो ध्यान को सिखाना जरूरी है। जितना हम ध्यान सिखाएंगे उतना ही हमारा ध्यान अच्छा और गहरा होता जाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है और ऐसा मैंने बहुत से लोगों के साथ भी देखा है। जब मैं पहले स्वयं ही ध्यान करती थी तब तक इतना गहरा ध्यान नहीं होता था। तब सर ने मुझे कहा था तुम ध्यान सिखाओ तो तुम्हारा ध्यान अच्छा और गहरा होगा। तो मुझे ऐसे लगा कि ये क्या है, ध्यान सिखाने से ध्यान अच्छा और गहरा कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने ध्यान सिखाना शुरू किया तब मैंने इसको स्वयं पे अपने आप पे अनुभव किया कि जब ध्यान सिखाने लगी तो मेरा स्वयं का ध्यान और ज्ञान इतना बढ़ता गया और अभी भी बढ़ रहा है कि ध्यान अच्छा गहरा होता जा रहा है। तो यही चीज है कि अकेले ध्यान करना आपका जो भी चीज कर रहे हैं, ध्यान है या ज्ञान है या किसी भी तरह की सेवा है आपके द्वारा जो यहाँ होनी है, आप समझते हो कि ये भगवान ने सिर्फ मेरे को ही दिया है, ऐसा गलत है। भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है वो आपको बांटने के लिए दिया है। अकेले कुछ भी हजम मत करना। अगर ऐसा सोचते हैं तो हम पाप के अधिकारी हैं।